स्वास्थ्य मंत्रालय से संबद्ध HIL इंडिया लिमिटेड ने मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए एक केमिकल युक्त मच्छरदानी लॉन्च किया है। पब्लिक हेल्थ में प्रयोग के लिए LLIL ने नॉर्मल मच्छरदानी की तरह ही प्रयोग करने वाले मच्छरदानी के धागों में केमिकल का प्रयोग किया है। मच्छरदानी के पास जैसे ही मच्छर आएंगे और उसे टच करेंगे, वैसे ही मच्छरदानी उन्हें मार देगा। इस मच्छरदानी से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और मच्छर जनित बीमारियों पर लगाम लग सकेगा। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर शशांक चतुर्वेदी ने बताया। शशांक चतुर्वेदी, मैं जनरल मैनेजर मार्केटिंग हूँ HIL इंडिया लिमिटेड का, और मैं दिल्ली में बैठता हूँ। के बचाव के लिए HIL इंडिया लिमिटेड, जिसका कि पुराना नाम था हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, उसने अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है LLIN, लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट। ये एक तरह से क्रांति है, और ये मान के चलिए कि ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में आने के बाद काफ़ी हद तक इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे जो है। और HIL जो है फॉर्मली ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अंदर आता है, और गवर्नमेंट का एक संस्था है जो कि इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, सीड और इसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ के प्रोडक्ट भी बनाता है। सर, इस जो प्रोजेक्ट बनाया है आप, क्या है सर? ये देखिए, पब्लिक हेल्थ में केवल मच्छरों के कंट्रोल के लिए नहीं, पब्लिक हेल्थ का मतलब जितने भी तरह के प्रोडक्ट होते हैं वो सब पब्लिक हेल्थ में आते हैं, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपार्टमेंट करता है। तो जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं LLIN का, ये ऑलरेडी हमारे देश में बन रहा था, लेकिन HIL पहली बार इंडिजिनस विधि से बना करके इस प्रोडक्ट को ला रही है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले तो हम हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू करेंगे, और इसके अलावा इसको हम लोग कमर्शलाइज करने के भी बारे में बात कर रहे हैं, ताकि ये सभी जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सके इसे। तो किस तरह प्रयोग करेंगे लोग इसका? इसको सिंपल है, जैसे नॉर्मल मच्छरदानी होता है, दिखने में बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसको लगा के सोना है, और इसके अंदर जो है एक जो धागा होता है, इसके अंदर एक केमिकल होता है अल्फा साइपरमेथ्रिन, जिसको 0.667% से HDPE और LDPE के साथ हम मास्टर बैच बनाते हैं, और उस मास्टर बैच के साथ धागा बनता है HDPE का, और उस धागे से मच्छरदानी बनता है। तो दिखने में नॉर्मल मच्छरदानी की तरह ही होगा, लेकिन इसका काम करने का तरीका अलग होगा। जब भी मच्छरदानी के पास मच्छर आएगा, तो वहीं का वहीं ये उनके पैरों के द्वारा एब्जॉर्ब होकर के, और वहीं का वहीं ये मच्छरदानी काम करेगा और मच्छर को मार देगा जो है। तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी पड़ेगा जो लोग मच्छर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये WHO द्वारा रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, और इस पर बहुत सारे हमारे रिसर्च भी हुए हैं, विदेशों में भी, हमारे यहाँ भी हुआ है। कम से कम इसको 3 साल तक प्रयोग कर सकते हैं, और 20 बार धुल सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत सेफ है, ह्यूमंस के लिए कम्प्लीटली सेफ है, और इसके जितने भी डाटा हैं हम लोगों ने जनरेट करके ICMR को भी सबमिट किया है। कितने बीमारियों पे इस पर लगाम लग सकता है? अब आप देखिए कि मच्छर जनित जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, कालाजार और मस्तिष्क ज्वर, इन सब पे इसका अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, और पहला डिस्पैच भी हम लोगों ने कर लिया है, और संभवतः उत्तर प्रदेश के मार्केट में विद इन मंथ ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा।